रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आज वेडनेसडे 23 मार्च 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आज बुधवार 23 मार्च 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में पास्टर क्रिस ओयाकिलम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, जॉन 10 चैप्टर 27 वर्स। इस वचन के आधार से यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 27 वचन। इस वचन के आधार से आज जो विषय हमको मिला है, ही टॉक्स टू योर स्पिरिट, वो आपके आत्मा से बात करता है। हम वचन के आधार से इस विषय को सीखेंगे। माई शिप हियर माई वॉइस एंड आई नो देम एंड दे फॉलो मी। और एक बार पढ़ेंगे John 10 chapter 27 verse, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. John 10 chapter 27 verse. यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 27 वचन हम पढ़ेंगे PSI बाइबल में से। मेरी भेड़े मेरे शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 27 वचन BSI बाइबल में से। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। पास्टर क्रिस ओयाकिलम हमको इस वचन के आधार से आज का विषय सिखाते हैं। I'm born again and I speak in tongues, I pray, but I have never heard the Holy Spirit talk back or speak to me. Is there something wrong with me? Some people have found themselves asking this question again and again. मैं नया जन्म पाया हुआ हूँ और मैं अन्य भाषा भी बोलता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी पवित्र आत्मा को मुझसे बात करते हुए नहीं पाया और उसकी बातों को मैंने कभी नहीं सुना है। क्या कुछ गलती है मुझ में जो पवित्र आत्मा का मैंने ऐसा काम मेरे जीवन में नहीं देखा? कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के समस्या में फंसे हुए हैं, अपने आप के बारे में सवाल करते हैं बारंबार। इफ एज अ क्रिश्चियन यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिसर्न द वॉइस ऑफ द स्पिरिट, इट्स नॉट बिकॉज हिज वॉइस इज वीक, वेदर ही स्पीक्स व्हेन ही स्पीक्स। अगर आप मसीह हो, एक मसीह होने के नाते ये बहुत मुश्किल बात नहीं है कि पवित्र आत्मा की आवाज़ को पहचानने में आपको मुश्किल हो। ऐसी कोई मुश्किल बात पवित्र आत्मा की आवाज़ को पहचानने में नहीं रहती है। यह इसीलिए क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर नहीं, जब भी वो बात करता है तब आप ना सुन पाए, इतनी कमज़ोर आवाज़ में वो बात नहीं करता है। First, the Holy Spirit probably has been speaking to you and you have not been listening to him, or you are thinking it's your mind that's talking to you. ज़्यादातर बात ये होती है कि जब पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा होता है तो हो सकता है कि आप उसकी सुनना नहीं चाहते हो, या हो सकता है आप ऐसा समझ रहे हो कि आप अपने ही मन की आवाज़ को सुन रहे हो। The Holy Spirit always talks to us, but we listen to Him not with our physical ears, but with our spirits from within us. जब पवित्र आत्मा हमेशा ही आप हम सबसे बातें करता है, परंतु जब सुनने की बारी आती है उसकी, तब हम अपने शारीरिक कानों से नहीं सुन रहे होते हैं, बल्कि हमारे आत्मा में से, हमारे अंदर से हम उसकी बात को सुन रहे होते हैं। If you are listening with your spirit, you will hear him. अगर आत्मा से आप उसकी सुन रहे हो तो आपको वो सुनाई देगा। And again, when you study the scriptures, he talks to you. और फिर दोबारा ये भी है कि जब आप अभ्यास कर रहे होते वचन पर, तब आपके साथ वो बात करता है। Therefore, whenever you are studying the word, it's an opportunity for the Holy Spirit to minister to you. टू टॉक टू यू। इसीलिए जब कभी आप अभ्यास कर रहे होते हैं परमेश्वर के वचन का, तो वह एक अवसर रहता है आपके लिए कि पवित्र आत्मा आपकी सेवा करे,
आपके लिए कि वह आपके साथ बात करे. सो एक्सेप्ट हिज टीचिंग्स एंड हिज गाइडेंस फ्रॉम द बाइबल. तो आपने उसके सिखाने को और मार्गदर्शन को स्वीकार करना है पवित्र बाइबल में से. सेकेंड तिमोथी 3:16 सेज ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड एंड इज प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन फॉर रिप्रूफ फॉर करेक्शन फॉर इंस्ट्रक्शन इन राइटियसनेस. दूसरे तिमोथियों की पत्री 3:16 ऐसा बताता है. दूसरा तिमोथी 3:16 ऐसा बताता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है. और एक बार पढ़ेंगे दूसरे तिमोथी उसकी पत्री 3:16 BSI बाइबल में से, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा, हर एक पवित्र शास्त्र का वचन है परमेश्वर की प्रेरणा ही से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है. When a Christian says, I talk to the Lord, but he does not talk back to me, what that person needs to realize is that when you talk to him, he does not necessarily have to talk to you while you are on your knees waiting. No. जब आप मसीह हो और कहते हो कि प्रभु मुझसे बात करे, परंतु वह आपसे बात नहीं कर रहा है. अगर आप ऐसे कह रहे हो तो एक वो इंसान जब ऐसा बोल रहा है तो अपने आप के अंदर वह ये बात को समझना चाहिए कि जब आप उसके साथ बात करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वह भी आपके साथ आपके जवाब में बात करे. जब आप घुटनों पर बैठकर इंतज़ार लगा रहे हो उससे बात के उसकी बातों की सुनने के लिए, ज़रूरी नहीं ऐसा हो. तो जब आप ऐसा सोच रहे हो एक मसीह होने के नाते कि मैं प्रभु के साथ बात करता हूँ परंतु वह मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो उस इंसान ने, ऐसे कहने वाले इंसान ने, ज़रूरी है मैं ये बात को समझना है, जब आप प्रभु के साथ बात करते हो तब वह ज़रूरी नहीं उस समय आपके साथ वह बात करेगा जब वह आपको देखेगा कि आप घुटनों के ऊपर उसके बातों को सुनने की इंतज़ार लगाए हुए हो. ज़रूरी नहीं ऐसी अवस्था में वह आपसे बात करेगा. ही मे नॉट एक्ट एट दैट मोमेंट बट ही विल ऑलवेज टॉक टू यू. ही टॉक्स टू यू एवरी डे. ज़रूरी नहीं है कि आप उसी क्षण वह आपके लिए कुछ काम कर जाएगा बात करने के लिए, परंतु वह हमेशा ही आपके साथ बातें करता है और हर दिन वह आपके साथ बातें करता है. So, as a child of God, never say, I don't know whether the Holy Spirit talks to me. तो एक परमेश्वर की संतान होने के नाते कभी ये मत बोलिए कि मैं नहीं जानता पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है कि नहीं. Say what Jesus said. I know the Father and He knows me. I hear and recognize His voice. जो पवित्र आत्मा कहता है वही आप भी बोलिए. जिस प्रकार से पवित्र आत्मा का वचन यीशु मसीह के अंदर से बात करता है उसी तरह से आप भी यीशु मसीह के समान बोलिए कि मैं जानता हूँ पिता मेरे अंदर है और मैं पिता के अंदर है और यही बात मैं सुनता भी हूँ और समझता भी हूँ उसकी आवाज़ को. यीशु मसीह ने वही तो कहा है. जीसस सेड माई शीप हियर माई वॉइस एंड आई नो देम एंड दे फॉलो मी. John 10:27. यीशु मसीह ने यही कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10:27 में. यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:27, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है. और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:27, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है.
Therefore, you say, I know the voice of the Master, I know the voice of the Holy Spirit, and He talks to me. इसलिए आपने यह कहना है कि मैं जानता हूँ मेरे स्वामी की आवाज़ को, मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा की आवाज़ को, और वह मुझसे बातें करता है. When you say that, your spirit will become conscious of the voice of the Holy Spirit within and of His guidance and His and words in your life. जब आप ऐसा कहने लगते हो तब आपके अंदर से आत्मा इस प्रकार से जागरूक हो जाता है, वो पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए आपके अंदर से, और फिर उसके मार्गदर्शन को देखने के लिए और उसके वचनों को आपके जीवन में सुनने के लिए. थैंक यू फादर गॉड इस उन्नति के वचनों के लिए, सिखाने वाले परमेश्वर पिता अभिषेक से पिता परमेश्वर, जो पास्टर क्रिस ओयाखिलोम ने हमारे तक ये वचन को पहुँचाया है. रैप्सोडी ऑफ रियालिटीज के लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर. इस सेवकाई से हमने जो उन्नति पाई इस वचन को पढ़कर पिता समझकर, ये उन्नति तेरे राज्य के काम आए और हम परमेश्वर तेरे राज्य में लाभदायी बने, तेरे राज्य के काम करने वालों के लिए लाभदायी बने. नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए. ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए. नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता. आमेन आमेन.